यासमीन राशिद साहब, मैडम दसो की सूरत हाल चल रही है ते कैमे आज इलेक्शन हो गए? इंशाल्लाह जीत तहरीक इंसाफ दी होएगी और तहरीक इंसाफ दे नंबर भी पूरे ने और हक दी फतह हैगी है और हवाम दी फतह है। ते आंदे सार हुण की करोगे पहला काम? अल्लाह ताला खैर रखेगा, आंदे सार असी अपने लोकां दा ख्याल करांगे जिहड़ा पहले कर रहे सन। हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, वजह ये है वरना तो कोई और तो नहीं है, सारे हमारे नंबर पूरे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलेक्शन हमेशा याद रखिए, हक की फतह होती है और ऑलरेडी हमने बता दिया जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुई तो आपके सामने मेजॉरिटी सीटें जो जीती गई, आवाम की जो थी बात वो आ गई सामने। तो कहते हैं पहले भी हम हमेशा कहते आए हैं कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो ये तो मेरा ख्याल है तो ऐसी बात नहीं है जो ढगी छुपी रह गई। अच्छा मैडम ये भी बताइए कि जो नू लीग की ऊपर से आप लोगों के ये मेंबरान थे गए और ज़िमनी इलेक्शन में हारे, क्या वाकई में आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं आप कि हमें वापस ले लें? अभी इलेक्शन लड़ी है हमारे खिलाफ, माफ़ी थोड़ी मांगी है, उनको वहाँ से भगा दिया, लोटे सारे भाग गए। और मैं ये राणा सनावला कह रहे हैं कि जी हम 50 पीटीआई के जो अरकान हैं उनको यार भाई हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या कह रहे हैं? वो उम्र आ गई ना, 37 वाली उम्र आ गई ना, मेरी वाली उम्र आ गई, ऐसी वैसी ऑल पॉल बोलते रहते हैं, बोलने दिया करें उन्हें। मैं आसिफ अली जरदारी के जो एफर्ट्स हैं जो नाकाम कोशिश है उसके हवाले से क्या बताएं जो आज के लंगर अंदाज ना हो? मेरा ख्याल है उनकी बिजनेस एक्मेंट हो गया। अच्छा सर प्यारी जो मैं आऊं फटाफट आऊं साथ इधर उनके घर चले गए। जी जी मैडम एक सेकंड।